ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है त्रिस्तोता शक्तिपीठ या भ्रामरी देवी जो जलपाईगुड़ी में स्थित है। यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां ठहरें, भोजन कैसे करें, समय कितना लगेगा, क्या खर्चा आएगा, जानते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। यहां प्रभु जी आप साल भर आ सकते हैं, परंतु उपयुक्त समय की बात करें तो यह अक्टूबर से मार्च का होता है, जब यहां मौसम बहुत ही अनुकूल होता है। आप यहां आने के लिए यदि हवाई मार्ग का चयन करते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा है वो है बागडोगरा। यहां से मंदिर की दूरी 45 किलोमीटर रह जाता है, जिसे आप बस एवं टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। यदि आप रेल से आते हैं तो इसकी नजदीकी स्टेशन जो है वह न्यू जलपाईगुड़ी। यह लगभग भारतवर्ष के हर कोने से जुड़ा हुआ है। यहां से मंदिर की दूरी 25 किलोमीटर है, जिसे आप बस टैक्सी एवं ऑटो के द्वारा तय कर सकते हैं। यहां से सालबाड़ी मंदिर पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगेगा। यदि आप बस से नहीं ऑटो से जाना चाहते हैं तो ऑटो वाले से थोड़े बार्गेन करना होगा। प्रभु जी आपको यह 200 से 250 रुपए भी मांग लेते हैं तो आप थोड़ा सा बार्गेन कर लेना। आप बाय बस आना चाहते हैं तो यह सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी इत्यादि से रेगुलर सर्विस के द्वारा जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी से इसकी दूरी 38 किलोमीटर एवं जलपाईगुड़ी से 14 किलोमीटर की दूरी है। प्रभु जी कहां ठहरे, ठहरने के लिए आप सिलीगुड़ी या जलपाईगुड़ी में आप ठहर लीजिए। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास भी ठहर सकते हैं। जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी, इन तीनों में से आप कहीं भी ठहर सकते हैं। आप गेस्ट हाउस ले लीजिए, 500 से 600 रुपए में मिल जाएगा। यदि आप होटल लेना चाहते हैं तो 800 से 1500 के बीच में होटल आसानी से मिल जाता है। प्रभु जी यहां भोजन क्या करें, यहां भोजन पूरी सब्जी चावल दाल इत्यादि अधिक मिलता है। इंडियन तथा नेपाली भोजन यहां ज्यादा पसंद किया जाता है। आप यहां खाना 80 से 150 रुपए के बीच आप लंच या डिनर कर पाएंगे आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है भोजन पानी में। अब भाषा की बात करें तो यहां बंगाली नेपाली इंग्लिश तथा हिंदी बहुत आसानी से बोला जाता है प्रभु जी, अतः आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने वाला है। माता त्रिस्तोता शक्तिपीठ के दर्शन से पहले मंदिर की महात्मा समझ लेते हैं। प्रभु जी त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में गोदागंज अंचल के सालीबाड़ी ग्राम में स्थित है। इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। यहां माता सती का बायां पैर गिरा था। माता सती को भ्रामरी तथा शिव को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। एक कथा के अनुसार अरुणासुर नामक दैत्य से देवतागण परेशान होकर भ्रामरी माता की आराधना करते हैं। तब मां ने खुद को मधुमक्खियों के रूप में बदलकर देवताओं की रक्षा की थी तथा शैतान को खत्म कर दिया था। इस कारण भी माता का नाम भ्रामरी पड़ गया। यहां लोग रोग मुक्ति, संपत्ति, मोक्ष तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। यह क्षेत्र हरा भरा जंगलों से घिरा हुआ है तथा बहुत ही रमणीय एवं शांत इलाका है। आइए अब दर्शन करते हैं। दर्शन यहां बिल्कुल फ्री है प्रभु जी। मंदिर दर्शन का समय सुबह 8 बजे से संध्या के 6 बजे तक है। यहां पर आप बैग व फोन ले जा सकते हैं। स्नान आप होटल या गेस्ट हाउस से करके आइए। यहां पर ज्यादा संख्या में क्षत्रिय यात्री ही होते हैं, जो नजदीक से आए होते हैं, अपने घर से ही स्नान करके आते हैं। आप दूर दराज से आए हैं, आप होटल या गेस्ट हाउस में स्नान कर लीजिए। प्रसाद बाहर बहुत दुकानें हैं, आप यहां से ले लीजिए। जूता बाहर उतार दीजिए,
आइए अब प्रवेश द्वार से हम भी माता दर्शन के लिए चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। यहां माता भ्रामरी देवी के साक्षात दर्शन होते हैं। यहां माता का पैर गिरा था, आप उनकी भी दर्शन कीजिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद यहां शिव जी का भी दर्शन कीजिए। शिव जी यहां ईश्वर रूप में दर्शन देते हैं। मंदिर प्रांगण में ही और भी बहुत बड़े छोटे प्रतिमाएं हैं, आप उन सब का भी दर्शन कीजिए। प्रांगण में एक अद्भुत पेड़ है जो नीचे से अलग अलग प्रतीत होता है, परंतु ऊपर जाकर एक हो जाता है। प्रभु जी, यह पेड़ भी इस जगह का मुख्य आकर्षण में से एक है, आप इन्हें भी देखिए। इस प्रकार दर्शन करके मंदिर के प्रांगण से जब आप बाहर निकलेंगे तो शिव जी का एक विशाल प्रतिमा है, आप उन्हें भी दर्शन कीजिए। आप अपने यात्रा स्मृति के लिए यहां फोटो क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा वक्त गुजारिए, यह इलाका बहुत शांत है, परंतु संध्या ज्यादा देर तक ना रुके, क्योंकि यह जंगली क्षेत्र है, अतः आप शाम होने पर वापस अपने होटल या गेस्ट हाउस को जरूर आ जाएं। इस प्रकार प्रभु जी आपकी त्रिस्तोता शक्तिपीठ या माता भ्रामरी देवी के दर्शन संपन्न हुए। आप वापस अपने घर को हो सकते हैं या फिर रात्रि विश्राम कर अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। अगले दिन जाने के लिए सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग है, बहुत ही फेमस जगह है ये, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहां दार्जिलिंग। आप चाहे तो एक दिन में सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग घूम सकते हैं तथा दूसरे वाले दिन में गैंगटॉक जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। प्रभु जी, हमने दोनों प्रकार से आपको बता दिया। अब इस यात्रा में समय कितना लगा? प्रभु जी, माता भ्रामरी देवी के दर्शन में जलपाईगुड़ी से आना, आकर मंदिर दर्शन करना, दर्शन करके पुनः वापस हो जाना, यह सारा एक दिन में ही हो जाएगा प्रभु जी, अतः इस दर्शन में एक दिन पर्याप्त है। अब खर्चा की बात करें तो एक सामान्य यात्री के लिए 1,000 रुपए पर्याप्त है। प्रभु जी, हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अब आपको जानकारी पसंद आई हो तो जय माता दी लिखिए। यदि कोई प्रश्न या संशय हो तो आप वो भी अवश्य लिखिए तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी।